परंतु हम उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ अधिक नहीं जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे विद्यालय के भैया बहन द्वारा प्रस्तुत एक लघु नाटिका, जिसमें वह उन गुमनाम सैनिकों के बारे में हमें अधिक जानकारी। करतार सिंह सराभा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने विदेश में रहते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ गदर पत्रिका में छापकर लोगों के भीतर क्रांति जगाने की कोशिश की और अपनी आवाज सैनिकों तक पहुंचाई, तथा दुर्भाग्यवश पकड़े जाने के कारण केवल 19 वर्ष की आयु में ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहां गए वे, कहां रहे वे, कहां
नायिका, स्वतंत्र विचारों वाली नारी जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका जाकर भारत की आजादी की अलख जगाई और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, जिन्होंने जर्मनी में अगस्त 1907 में तिरंगा झंडा फहराया और लंदन में रहते हुए भी दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया। कहते हैं ब्रिटिश विरोधी नीतियों के कारण अंग्रेजों ने उनकी हत्या की साजिश रची, लेकिन वे फ्रांस भाग गई और वहां से भारत में खिलौनों के साथ असला बारूद भेजती रही जिसका देश के क्रांतिकारी प्रयोग कर सके। ऐसी वीरांगना थी भीकाजी रुस्तम कामा। अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के सारंग की पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया। वो एक साधारण महिला थी परंतु दिल में देश के प्रति प्रेम और जुनून होने के कारणवश अंग्रेजों ने उनके पति को भी मार दिया, लेकिन फिर भी वो डटी रही और सारंग की पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया। ऐसी साहसी महिला थी तारा रानी श्रीवास्तव। हमारे देश में राष्ट्र निर्माण का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने हमारे भारत देश में बहुत सारी गतिविधियां की है और उनका नाम है रास बिहारी बोस। क्रांतिकारी जुनून उत्पन्न किया और अब
अपने पत्रों के माध्यम से युवाओं में जोश एवं जुनून उत्पन्न किया। आजादी एक छोटा सा शब्द है ना, मगर इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने ही भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ना जाने कितने ही महिलाएं विधवा हुई, ना जाने कितने ही माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया। इस देश के प्रत्येक नागरिक का भारत की आजादी में अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। आज इस नाटक के द्वारा कुछ वीर सपूतों को याद किया, ऐसे ही अनेकों वीर सपूत और भी हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता में रहा, ऐसे वीर सपूतों को एक बार फिर से हम नमन करना चाहेंगे। Bye.